हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कृषि एपिक्योर। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के मैक्रोनी। तो आज देखिए कैसे बनाई है मैंने ये रेसिपी। बहुत इजी मेथड है इसको बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून क्यूमिन्स के सीड्स, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, इनको अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। और ये 5 से 10 मिनट के लिए धीमी गैस में पकाएंगे। मैक्रोनी को बॉईल कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने ली है ये सूजी की मैक्रोनी, नो मैदा। तो इसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। मैंने पानी को पहले ही बॉईल कर लिया है, इससे मैं मैक्रोनी को पका लेती हूँ। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए भी इसे बॉईल कर लेती हूँ। इसे मैं कवर कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज कर लिया है और इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। ये हमारा अच्छी तरह से ये पक चुका है, तो अभी से मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर देती हूँ, इसका एक पेस्ट रेडी कर देती हूँ। ये हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। मैंने सेम उसी पैन में ही बना रही हूँ और इसके पेस्ट को मैं ऐड कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को तेज कर देती हूँ। आधा चम्मच इसे मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। एक चम्मच केचप, इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तीन चार मिनट इसे कुक होने के लिए रख देती हूँ। ये प्योरी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले। इसके लिए मैं लूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च। आधा चम्मच भी नहीं लगेगा इसमें, 1/4 चम्मच आप ले लीजिए। और हल्दी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें ऐड कर लेती हूँ 1/2 चम्मच नमक। अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। चुटकी भर गरम मसाला, 4 चाट मसाला, काला नमक, मैगी मसाला, इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर लेती हूँ। और इसे मैं चुटकी भर चीनी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। प्योरी हमारी रेडी हो चुकी है। मैक्रोनी भी हमारी देखिए बॉईल हो चुकी है। अब इसे मैं ऐड करूंगी हमारी मैक्रोनी।
इन्हें मैं अच्छी तरह से सॉटे कर देती हूँ। इसको मैं कवर कर देती हूँ और 2-3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देती हूँ। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे मैं अब सर्व कर लेती हूँ एक बर्तन में। एंड फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट्स। देखिए मैक्रोनी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, इसे मैं अच्छी तरह से गार्निश कर रही हूँ। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए घर पे, बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तब तक हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।